Hello everyone, myself Dr. Deshend Pradeep. Today's class for 9th Physics, we are going to deal with the topics from work and energy. The topics are before you, and let's start the class. So, to students, today's topic hai, that is energy. लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया वर्क और वर्क को किस तरह से डिफाइन करते हैं वर्क इज डन वेन डिपेंड्स अपॉन सर्टेन कंडीशंस वी स्टडीड दो कंडीशंस सो आज के इस लेक्चर में जब हम इनर्जी की तरफ जाएंगे सो so एनर्जी क्या है सबसे पहले देखते हैं एनर्जी क्या है स्टूडेंट्स so आज का आपका टॉपिक है एनर्जी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया वर्क एंड व्हेन द वर्क इज डन इन एक्चुअली द साइंटिफिक वे सो एनर्जी क्या है सबसे पहले देखते हैं सो so, एनर्जी क्या है इट इज एक्चुअली द कैपेबिलिटी टू डू वर्क इट इज द एक्चुअल कैपेबिलिटी कैपेबिलिटी सिंपली बच्चे आप लोग कह सकते हो और एबिलिटी टू डू वर्क आप कितना काम कर सकते हो यह डिपेंड करता है कि आपके पास एनर्जी कितनी स्टोर्ड है सो इट इज कैपेबिलिटी और एबिलिटी टू डू वर्क अब वर्क तो हो गया एनर्जी के कारण अब एनर्जी कहां से आई भाई बिगेस्ट सोर्स जो है ऑफ एनर्जी दैट इज सन तो सन सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी है सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है सन है और और इसके बाद और भी बहुत सारे सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं. बट जब भी काम किया जाता है एक इंसान एक मशीन इतना ही काम कर सकती है जितना उसमें एनर्जी हो मींस when you are doing work you are actually converting your energy you are actually exhausting the energy whether it is coming from the sun or you are going to have different other sources few of them are atom nuclei are certain other chemical reactions done yahan tak baat samajh ab energy ka unit of unit of energy is joule again ठीक है एनर्जी का यूनिट भी जॉल है एनर्जी की कोई डायरेक्शन नहीं है सो एनर्जी इज आ स्केलर क्वांटिटी एनर्जी इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी तो एनर्जी की कोई भी डायरेक्शन नहीं है मतलब ये वेक्टर नहीं है ये क्या है ये एक स्केलर क्वांटिटी है तो ये बात समझ आ गई ये एक छोटा यूनिट है जॉल एक छोटा यूनिट है इसका बिगर यूनिट जो है दे आर किलो जॉल्स क्या है वो किलो जॉल अब आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि किलो जॉल लिखते हैं तो मतलब किलो का मतलब है वन थाउजेंड सो वन किलो जॉल दैट इज इक्वल टू वन थाउजेंड जॉल्स तो जब हमें अपनी एनर्जी बड़ी वैल्यू को रिप्रेजेंट करना होता है सो वी विड से दैट वी आर गोइंग टू हैव वन किलो जॉल्स टू किलो जॉल्स थ्री किलो जॉल ऑफ एनर्जी मीन्स इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ किलो जॉल्स तो बात समझ आ गई आपकी द एनर्जी अब जॉल किसे कहेंगे आप जब एक जॉल ऑफ इन वर्क डन करना पड़ेगा जब एक जॉल ऑफ वर्क करना पड़ेगा तो कितनी जॉल ऑफ एनर्जी लगेगी वन जॉल ऑफ एनर्जी सो वन जॉल ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डू द वर्क ऑफ वन जॉल तो ये बात समझ आ गई अब जो एनर्जीज हैं दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स दे आर ऑफ डे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज और उनमें से दो इनर्जी टाइप्स को हम स्टडी करेंगे सो टाइप्स ऑफ एनर्जी कौन कौन सी हैं? पहला एनर्जी टाइप जो हम स्टडी भी करेंगे दैट वन इज योर काइनेटिक एनर्जी पहले हम नाम लिख लेते हैं फिर एक एक करके हम इनको डिफाइन करेंगे काइनेटिक एनर्जी दूसरा पोटेंशियल एनर्जी और बच्चे आपको मैं एक चीज बता दूं इन दोनों इनर्जीज के सम को इन दोनों इनर्जीज के सम को कहते हैं मैकेनिकल इनर्जी सो मैकेनिकल इनर्जी क्या हो गई सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी मैं डेफिनेशन लास्ट में लिखवाऊंगा मैकेनिकल एनर्जी की देन थर्ड वन लाइट इनर्जी ये तो आप लोगों को पता ही है बच्चे ये ऐसी एनर्जी है जो हमें देखने में मदद करती है सन से आती है बहुत सारा पार्ट इसका घरों में हम यूज करते हैं Bulbs, LEDs, वहां से भी हमारा जो सोर्स बनता है वो हमें लाइट एनर्जी देता है और कौन सी एनर्जी हम मोस्टली यूज करते हैं वी आर गोइंग टू हैव हीट इनर्जी हीट एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है बच्चों जो हमें सेंसेशन देती है सेंसेशन देती है इंक्रीज या डिक्रीज करती है एक बड़ी इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी को कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है वो दैट इज टेम्परेचर ठीक है जो टेम्परेचर को प्रोड्यूस करने में टेम्परेचर को वैरिएशन के लिए जो जरूरी है दैट इनर्जी इज हीट इनर्जी तो ये बात समझ आ गई आपको और कौन सी एनर्जी सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी जो इस समय हम यूज कर रहे हैं मैं अपनी बात आप तक पहुंचाने के लिए मैं आपके साथ कम्युनिकेट करने के लिए जो एनर्जी यूज कर रहा हूं दैट वन विच इज कमिंग फ्रॉम माई वोकल्स दैट इज योर साउंड एनर्जी सो साउंड एनर्जी इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी बहुत सारी एनर्जीज हैं बच्चे टाइडल एनर्जी है केमिकल एनर्जी है टाइडल एनर्जी कहां से आती है जो टाइड से आती है जियोथर्मल एनर्जी है जो हीट बेटा जो अर्थ है आप लोगों को पता है अर्थ है अर्थ की उसका टेम्परेचर डिफरेंट है, इस डिफरेंस ऑफ़ टेम्परेचर को यूज करके जो एनर्जी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं दैट इज जियोथर्मल एनर्जी दैट इज योर जियोथर्मल बहुत सारी ऐसी एनर्जी फॉर्म्स हैं जिन्हें हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं we are having atomic energies, we are having nuclear energy. so ye बच्चे कुछ important energy formations थी जो आप लोगों को मैंने बताई अब जो सबसे पहले यूज की आपके पास kinetic और पोटेंशियल उन एनर्जीज को हमने रिप्रेजेंट करना है उन एनर्जी को हमने एक्सप्लेन करना है तो उससे पहले एक एनर्जी फॉर्मेशन जो मैंने आपको नाम दिया दैट इज योर मैकेनिकल इनर्जी तो बच्चे मैकेनिकल इनर्जी कौन सी इनर्जी होती है द सम ऑफ पोटेंशियल एंड एंड कायनेटिक एनर्जी बच्चे जो पोटेंशियल इनर्जी होगी जो काइनेटिक इनर्जी होगी उन दोनों का जो सम होगा इज नाउंड एज मैकेनिकल एनर्जी उसे क्या कहेंगे हम मैकेनिकल एनर्जी तो आप इसे दूसरी तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो ये वो एनर्जी है विच इज बाय वर्च्यू ऑफ द वर्क डन आर बाय वर्च्यू ऑफ द मोशन एंड रेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या लिख सकते हो द एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ मोशन और रेस्ट कॉन्फिगरेशन एंड शेप ऑफ एन नॉट तो ये बात आपको समझ आ गई चलिए बच्चे अब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की काइनेटिक एनर्जी बेटा काइनेटिक इसमें जो ये वर्ड काइनेटिक है दैट इज रिलेटेड टू मोशन सो आप डेफिनेशन लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी की इट इज दैट इनर्जी विच इज देर बाय वर्चू ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट तो ये लिख लिया आपने जिस तरह से आपके पास ये स्टम्प हैं इनको आपने हिट किया विद द हेल्प ऑफ द बॉल्स ये बंदा चल रहा है दौड़ रहा है पर्सन इज रनिंग फ्लाइंग एयरक्राफ्ट दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वट काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ये सारे केसेस में जो ऑब्जेक्ट्स हैं They are executing motion. So to the kinetic energy, the kinetic energy is by virtue of motion, by virtue of motion in an object or body. एक बॉडी में जो मोशन है उस मोशन के कारण जो एनर्जी आती है दैट एनर्जी इज नाउन एज काइनेटिक एनर्जी एग्जांपल्स आपको दे दी मैंने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हुआ फ्लाई कर रहा है ऑब्जेक्ट रनिंग आप कर रहे हो वॉक कर रहे हो ठीक है आपने कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कार मूव कर रहा है कार मूव कर रही है या आपके पास एथलीट रन कर रहा है ठीक है तो इन सारे केसेस में क्या हो रहा है ये ऑब्जेक्ट्स क्या कर रहे हैं ये ऑब्जेक्ट्स मोशन एग्जीक्यूट कर रहे हैं और जब भी मोशन एग्जीक्यूट होगा जो एनर्जी वहां पे आएगी एनर्जी जो जन्म लेगी जो एनर्जी बर्थ लेगी दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी तो ये बात आप लोगों को समझ आ गई तो काइनेटिक एनर्जी किसकी से आती है? कम्स बाय बाय ऑफ व्हाट? वर्चू ऑफ मोशन इन एन ऑब्जेक्ट तो ये बात समझ आ गई चलिए अब इस काइनेटिक एनर्जी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं देखते हैं क्या है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्योंकि जब की काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करना है यू नीड सम मैथमेटिकल फॉर्मूला अ मैथमेटिकल टूल दैट यू आर गोइंग टू बी यूजिंग देयर डन बात समझ आ गई चलिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन उसके लिए हम कुछ वेरिएबल्स को डिफाइन कर लेते हैं मान लेते हैं जो ऑब्जेक्ट मोशन में है उसका मास एम है एम क्या है मास है किसका ऑफ ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट बच्चों जो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है एग्जीक्यूट कर रहा है मोशन तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी और हमने पढ़ी है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट स्पीड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी होगी उसमें सो मान लीजिए वी जो है उसकी फाइनल वेलोसिटी है v क्या है उसकी फाइनल वेलोसिटी है उस ऑब्जेक्ट की और u उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u क्या थी उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो ये बात आप लोगों को समझ आ रही है v उसकी फाइनल वेलोसिटी थी u उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी और जब मोशन एग्जीक्यूट कर रहा था जो फोर्स उस पे लगी हुई थी दैट f वाज द फोर्स अप्लाइड अप्लाइड फोर्स और जब फोर्स अप्लाई की तो मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट होगी क्योंकि जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी तो वर्कडन नहीं, नहीं होगा तो एनर्जी कंज्यूम नहीं होगी तो ये बात आप लोगों को समझ आ गई चलिए बात करते हैं यहां तक अब आप लोगों को पता है हमें वर्कडन देखना है दे पता है आप लोगों को वर्कडन किसके बराबर होता है जो भी आपने फोर्स अप्लाई की इनटू जितना आप लोगों ने डिस्प्लेसमेंट किया डन क्या अप्लाई की फोर्स एफ अप्लाई की थी डिस्प्लेसमेंट एस आया था सो so, वर्कडन जो है डब्ल्यू आपका दैट इज इक्वल टू फोर्स एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट एस डन ये बात आपकी आ गई अब फोर्स जो है बच्चों दैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन ए क्या है यहां पे स्माल इज द एक्सरेशन ऑफ दैट ऑन ऑब्जेक्ट सो एफ हो गया मास इनटू टू बात समझ आ गई चलिए तो फोर्स ये आ गया वर्क डन ये आ गया अब हम लोगों ने पढ़ा है फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड इक्वेशन कहती है वी स्क्वेर माइनस यू स्क्वेयर

U square, और टू ए चला जाएगा इसके डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर में तो एस इज इक्वल टू वी स्क्तर माइनस यू स्क्न यहां तक बात हो गई सो वर्क डन किसके बराबर आ गया देर फोर डन डब्ल्यू किसके बराबर था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट था फोर्स किसके बराबर था मास इंटू एक्सलोरेशन तो ये बन गया मास इंटू एक्सलेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट बच्चों की वैल्यूज डाल दो मास इंटू एक्सलेशन आ गया डिस्प्लेसमेंट की जगह माइनस u स्क्र अपॉन टू ए आ गया v स्क्वे माइनस u स्क्वेर अपॉन टू ए ये वैल्यू बन गई आपकी किसकी ये वैल्यू बन गई बच्चों किसकी बन गई वर्क डन की किसकी बन गई वर्क डन की वैल्यू बन गई अब यहां पे देखते हैं हम एम एक्सर अपॉन टू ए बन गई आपकी इक्वेशन बात समझ आ गई आप लोगों को अब यहां पे देखिए थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करेंगे सो वी आर गोइंग टू हैव है माइनस यू स्क्र हो गया ए यहां भी था न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में भी था कट गया सो वी आर लेफ्टी स्क्तर माइनस यू स्क्र सो योर डन इज इक्वल टू वन बाय टू मास इंटू वी स्क् माइनस यू स्क्र ये तो बात है तब की जब वर्क डन इतना था अब हमने इस वर्क डन की बात करनी है जब सिर्फ मोशन के कारण होगा मोशन होगा तो रेस्ट में वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी वेलोसिटी जीरो होगी इन से फाइनल वेलोसिटी में चला गया तो वर्क डन टू वन बाय टू एम वी का स्क्वायर इसमें इनिशियल इसमें रेस्ट का कोई चांस नहीं है बॉडी किस में है मोशन में है सो दिस डन दिस

दिस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वन बाई टू एम वी का स्क्वेर भाई ये आपकी कानेटिक एनर्जी के बन गई टू एम वी स्क्वायर और ये बन गया बच्चों इसका फॉर्मूला बन गया तो ये बात समझ आ गई किस तरह से आपने कायनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव किया है अब हम बात करते हैं दूसरे टर्म की दूसरा टर्म कौन सा है बच्चो आपका दूसरा टर्म है आपका पोटेंशियल इनर्जी कौन सा है पोटेंशियल इनर्जी पहले वाला मोशन के कारण था ये वाला रेस्ट के कारण है सो दिस इनर्जी इज बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां पे है एंड कॉन्फ़िगरेशन और शेप कॉन्फ़िगरेशन किस कैसी है उसकी और शेप कैसी है उसकी दैट इज पोटेंशियल एनर्जी और बच्चे जिन फैक्टर्स पे ये पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है द पोटेंशियल एनर्जी जिन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है द पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन डिपेंड किस पे करता है कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है पहला फैक्टर है बच्चे मास ऑफ ऑब्जेक्ट मास ऑफ ऑब्जेक्ट सो पोटेंशियल एनर्जी अगर यू से रिप्रेजेंट कर दू दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास अगर एम क्या है उसका मास है दूसरा एच हाइट फ्रॉम द सरफेस हाइट एच हो गया यू किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी के ऊपर तो बात समझ आ गई तीसरा है बेटा जी शेप ऑफ ऑब्जेक्ट तो ये तीन फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर आपका पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है बात समझ आ गई अब आपके पास वर्क डन जो है जो एनर्जी की वैल्यू है वर्क डन किसके बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अब ऑब्जेक्ट मेरा हाइट पे जा रहा है ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है आपका हाइट पे जा रहा है चलिए एक शेप बना लेते हैं आपका ऑब्जेक्ट का मास है एम इसे आपने ए पॉइंट से उठा के ले गए बी पॉइंट पे ए से बी पे ऑब्जेक्ट के ऊपर इस समय कौन सी फोर्स लग रही थी एम जी यह कौन सी फोर्स है भाई ग्रेविटी है ग्रेविटेशनल फोर्स है जो डाउनवर्ड एक्ट करती है सेंटर ऑफ अर्थ एक्ट करती है जब आपने ऑब्जेक्ट को ए से बी पे ले जाना चाह तो इस पे वर्क डन करना पड़ा क्यों क्योंकि ग्रेविटी नीचे खींच रही थी हम ऊपर जा रहे थे कितना ऊपर जा रहे थे हाइट एच पे मींस डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई डिस्प्लेसमेंट हो गई एच अब फोर्स कितनी है फोर्स इतनी जितना ग्रेविटी लगा रही है दैट इज एम जी और एच हो गई हाइट तो वर्क इज एम जी एच बेटा जी दिस वर्क डन दिस वर्क डन एम जी एच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच सो पोटेंशियल एनर्जी यू किसके बराबर हो गया एम जी एच यही पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन में काम करने में आता है कब आता है कुछ केसेस बताऊंगा तो दोनों एनर्जीज के फॉर्मूलाज क्या बन गए काइनेटिक एनर्जी हो गया वन बाय टू mv का स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी बन गया mg h अब इसी हाइट इसी पोटेंशियल एनर्जी को हम किस तरह से यूज करते हैं बड़ा सा डैम बनाते हैं पानी स्टोर करते हैं स्टोर किए हुए पानी को हाइट से नीचे फेंकते हैं वो पानी टरबाइन पे पड़ता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है विद द हेल्प ऑफ डायनेमोस तो काम डायनमो को घुमाने का काम किसने किया डायनमो को घुमाने का काम किया उस पोटेंशियल एनर्जी ने जो स्टोर थी उस पानी में जिसको हमने रोका हुआ था डैम की हेल्प से एक पर्टिकुलर हाइट पे तो ये बात समझ इस तरह से बहुत सारे केसेस आपके पास बनेंगे जिसमें पोटेंशियल एनर्जी को आप यूज कर सकते हो बात समझ आ गई अब बच्चा जी हम दो नमेरिकल लेंगे बोथ फॉर पोटेंशियल एनर्जी एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी चलिए आप कुछ क्वेश्चंस लेते हैं आपके पोटेंशियल फिर उसके बाद आपके टेक्सुअल क्वेश्चंस लेंगे जो इन क्वेश्चन इन टॉपिक्स के बेस पे होंगे चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन ले लेते हैं आपका काइनेटिक एनर्जी के बेस पे तो बच्चों आपका पहला क्वेश्चन लेते हैं हम काइनेटिक एनर्जी का एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 किलोग्राम इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो चलिए मास कितना है मास हो गया पंद्रह किलोग्राम इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी सो वेलोसिटी हो गई आपकी फोर मीटर पर सेकेंड आपको क्या निकालना है आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी आपकी के है और आपने उसी को फाइंड आउट करना है अभी हमने पढ़ा काइनेटिक एनर्जी के किसके बराबर होती है वन बाय टू एम वी का स्क्वायर के बराबर अब बात तो आ गई फॉर्मूला भी आ गया वन बाय टू एम की वैल्यू डालिए एम की वैल्यू कितनी है फिफ्टीन है इन टू वी वी कौन है वी है आपका फो फो को कीजिए स्क्वायर सो आपके पास क्या बन गया काइनेटिक एनर्जी के किसके बराबर आ गई वन बाय टू इन टू फिफ्टीन आपके पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी बन गई जॉल्स बन गई तो ये था आपका क्वेश्चन बच्चों अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं आपका पोटेंशियल एनर्जी से चलिए देखते हैं अब दूसरा क्वेश्चन है इफ अ बॉडी ऑफ मास टेन किलोग्राम तो लिखते जाइए बच्चों मास कितना आ गया आपके पास टेन किलोग्राम इज रेज टू अ हाइट हाइट कितनी हो गई सिक्स मीटर अबोव और यहां पे हमें एक चीज और गिवन है वैल्यू ऑफ इज टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डू टू ग्रेविटी टेन मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर तो बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया क्योंकि पोटेंशियल इनर्जी पोटेंशियल एनर्जी जो कि जॉल्स में आने वाली है दल टू एम जी एच मास है टेन जी कितना है टेन एच कितना है सिक्स सो so, ये आपके पास कितना बन गया टेन इंटू टेन हंड्रेड हो गया हंड्रेड इंटू सिक्स कितना हो गया सिक्स हंड्रेड जॉज तो बच्चों आपके पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी आ गई सिक्स हंड्रेड जॉज तो ये कुछ एग्जांपल्स थे अब चलिए आपके टेक्सुअल क्वेश्चंस लेते हैं और देखिए बच्चे आपके टेक्सुअल क्वेश्चंस जो हैं वो आपको मैं स्पेसिफिक पेजेस पे हैं वो आपके बुक में जो आपका चैप्टर है उस चैप्टर में हमने कुछ क्वेश्चंस पीछे कर लिए थे अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पे आपके सेम चैप्टर में पेज नंबर के साथ कौन सा क्वेश्चन आता है चलिए बच्चों आपका पेज नंबर 152 आपका पेज नंबर 152 इस पे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी अभी हमने इसकी डेफिनेशन दी है तो मैं सिर्फ आपको रिपीट ही करवाऊंगा व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी तो बच्चे जी काइनेटिक एनर्जी इज विच इज अ बॉडी बाय ऑफ इट्स मोशन सो जितने भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं वो इस एनर्जी को अपने पास रखते हैं मतलब मूविंग ऑब्जेक्ट में कौन सी एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी तो बात समझ आ गई दूसरा क्वेश्चन था व्हाट इज रिलेशन फॉर व्हाट इज रिलेशन काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या है भाई अभी हमने निकाला है काइनेटिक का स्क्वायर अब यहां पे जब भी आपने लिखना है तो आपने एक्सप्लेन करने हैं सारे वेरिएबल्स। एम क्या है एम है भाई मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है और वी क्या है